हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, जो कि चैप्टर नंबर 9 का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। है ना, सुन तो रखा होगा सब लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, और नहीं सुना तो अब सुन लेते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैसे समझेंगे, क्या चीज है ये? बड़ी अच्छी चीज है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसको OMF3 FAS भी कहते हैं। ज्यादा मोटा हो गया ये, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब कई सारे, पॉली मतलब मैनी, और अनसैचुरेशन जब किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लगे होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, तो उसको, ये गलत हो गया ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड कब बोलते हैं, जब साथ में COOH ग्रुप भी लगा होगा तो फैटी एसिड बन जाता है वो, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड है, जिसको हम लोग कई बार प्यूफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड लोकेटेड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ओमेगा एंड। ओमेगा मतलब होता है लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, चेन का जो आखिरी कार्बन होगा, जैसे ये रहा आखिरी कार्बन, है ना, पता है ना, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तो बातें पता होंगी। तो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो लास्ट कार्बन से अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब लास्ट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड लगा होता है तो वो बन जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, ये सब भी होते हैं, अपने कोर्स में नहीं है, हम समझेंगे केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। तीन इसकी मेन वेराइटी है, कौन कौन सी है, आला रे आला, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड आला, है ना, C18 3, और किस पे लगाइए, N3 पर, ठीक है ना, और सॉरी तीन का मतलब टोटल कितने बॉन्ड है, 1, 2 और 3। इकोसा पेंटेनोइक एसिड ईपा C20, इसमें कितने कार्बन है, टोटल 20 कार्बन है, और 5 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और ये तीसरे पे लगा हुआ है, ठीक है। देन है DHA धा, आला ईपा धा, ठीक है, याद करने के लिए। डोकोसा, डोसा, डोसा नहीं, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, है ना, 22 कार्बन है, टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे वही लगा हुआ है, क्या है, लास्ट से देखें ओमेगा कार्बन 1, 2 और 3, तीसरे पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये तीन है मेन, क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिनको हमें पढ़ना है और समझना है। नाउ टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड यहीं पर समझ लिया हमने, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड आला रे आला मेनली कहां मिलता है, ये प्लांट में, इकोसा पेंटेनोइक एसिड ईपा एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड धा, ठीक है। इनका मेन इन्वॉल्व कहां पर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पता है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो पढ़ी रहे होगे, गुड। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब जो हमारे शरीर की कार्य प्रणालियां हैं, हार्ट का चलना, लंग का चलना, काम करना, किडनी का काम करना, ये सब फिजियोलॉजी में आता है। बोथ सेकेंड एंड थर्ड कॉमनली फाउंड इन फिश ऑयल एंड ओरिजिनली केम फ्रॉम माइक्रो एल्गी। देखो अब ये चीज समझनी है हमको, मिलता तो मछली के तेल से है, बट एक्चुअली में कहां से आता है, अल्गी से आता है। डेट इज फर्दर कंज्यूम्ड बाय फाइटोप्लैंकटन, अ सोर्स ऑफ ए डाइट फॉर फिश। फिश की डाइट में एक खास तरह की अल्गी होती है, ठीक है, उस अल्गी के अंदर ये दोनों पाई जाती है। जब ये फिश इसको खा लेती है तो यहां से ये निकल करके फिश के सेल्स में, टिश्यूज में जाकर ये दोनों स्टोर हो जाते हैं। फिर हम फिश को मारते हैं, इसको टिश्यू को निचोड़ते हैं, उसके अंदर से तेल को निकालते हैं, ठीक है, ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शन, है ना, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं और जो सेल के फंक्शंस हैं उनमें बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। आर अवेलेबल एज डेली सप्लीमेंट, एंड ये डेली सप्लीमेंट के तौर पे अवेलेबल है, हम खा सकते हैं इन्हें। फिश ऑयल कंटेन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड विच आर प्रीडोमिनेटली इकोसा पेंटेनोइक एसिड, डोकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ईच ऑफ देम हैज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट। फिश के अंदर मिक्सचर पाया जाता है,
इन तीनों का, और इन तीनों का ही हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। फिश ऑयल इज डेराइव फ्रॉम टिश्यू ऑफ ऑयली फिश, जो ऑयली फिश होती है उनके टिश्यू में से ये निकाला जाता है, बट द फिश देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस। पूछा जाए क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश खुद बनाती है? नहीं भाई, खुद नहीं बनाती है, वो जो अल्गी खाती है, अल्गी खाने की वजह से उनके सेल्स टिश्यूज में जाके ये ऑयल डिपॉजिट हो जाता है। दे एक्यूमुलेट देम फ्रॉम द फीडिंग सोर्स, फीडिंग मतलब जो खाना खाती है उस खाने की वजह से ये उनके टिश्यूज में जाके स्टोर होता है। मरीन एंड फ्रेश वाटर, मरीन मतलब समुद्री, फ्रेश वाटर मतलब नदियों की मछलियां जो होती हैं, फिश ऑयल वेरी मतलब अंतर हो सकता है इन कंटेंट ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड, जो उनका अलग अलग फैटी एसिड हो सकती हैं, समुद्री मछली के अलग फैटी एसिड हो सकते हैं और फ्रेश वाटर के फिश के अलग फैटी एसिड हो सकते हैं। ह्यूमंस डू नॉट पजेस द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज ओमेगा 3 फैटी एसिड, देयरफॉर ह्यूमंस के पास वो एंजाइम नहीं है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाए, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फैटी एसिड। ह्यूमंस खुद बना ही नहीं पाते हैं, हमेशा खाने से जो खाएंगे उससे ही मिलता है इनको, इसीलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। बिकॉज दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, क्यों कहा गया? क्योंकि डाइट से मिलेंगे, खुद से इंसान नहीं बना पाता है ना। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन। जो एसेंशियल प्रोटीन थी वो हमेशा डाइट से मिलती थी और जो नॉन एसेंशियल थी वो बॉडी खुद बना लेती थी। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर मेनली कंज्यूम्ड इन अवर डाइट्स एज फिश एंड प्लांट, प्लांट या फिश के तौर पे दोनों में हम खा सकते हैं सोर्सेज, बट कैन आल्सो बी कंज्यूम्ड वाया प्रिस्क्रिप्शन ओमेगा 3 प्रोडक्ट। हम या तो फिश खाएं या प्लांट खाएं, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं खाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे ना गोल्डन कलर के कैप्सूल्स होते हैं जो आते हैं, देखे होंगे सब लोगों ने, ठीक है, वहां से भी हमको ये मिल सकते हैं। अल्फा लाइनोलिनिक एसिड इज अ कॉमन ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन सीड्स, नट्स एंड कैन बी कन्वर्टेड टू बोथ DHA एंड EPA। आला की खासियत है, आला क्या है, एक कॉमन है जो कि सीड्स और नट में पाया जाता है और ये बॉडी में जाके DHA और EPA में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आला इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउएवर रिसर्च हैज फाउंड द कन्वर्जन ऑफ DHA फ्रॉम आला इज प्रैक्टिकली लो। जो DHA है आला से जो DHA में कन्वर्ट होता है, ये रिसर्च ने पाया कि DHA बहुत कम कन्वर्ट होता है ना। रिसर्च हैज फाउंड द कन्वर्जन ऑफ DHA फ्रॉम आला इज प्रैक्टिकली लो, पर्टिकुलरली लो, काफी लो है, सजेस्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्ट डाइटरी इंटेक ऑफ DHA। इसीलिए DHA को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैप्सूल के तौर पर किसी और तरीके से लेते हैं। क्लियर है, आला इन दोनों में कन्वर्ट हो जाती है, इन दोनों में से इसमें थोड़ा कम कन्वर्ट होती है, इसमें ज्यादा कन्वर्ट होती है, बात समझ में आ रही है। अब सोर्सेस, अगर मैं बात करूं सोर्स की, तो प्लांट सोर्स में फ्लैक्सीड, बेसिल, ब्रोकलाई, स्पेयरमिंट है ना, केल, वॉलनट, अखरोट, फ्लैक्सीड है ना, कॉलीफ्लावर, चिया सीड, विंटर स्क्वैश, स्पेनिक, पालक हो गया, पंपकिन सीड। अब ये सारे क्या है, इसके नाम है, कहां कहां से हमको ये मिलेगा। एनिमल सोर्स की बात करूं तो फिश, फिश में भी खास खास कौन सी फिश है, सैल्मन, ट्यूना, मैकरल, सार्डाइन, ये खास फिशेस हैं जिनके अंदर से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आल्गी की बात करूं तो सीवीड, नोरी, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला है ना, तो ये आल्गी है जहां से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। अब बात करें थेरोपेटिक एप्लीकेशन की, तो बहुत सारे हैं, मैंने क्या बताया था 15-20 एप्लीकेशन है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 15-20 बीमारियां याद कर लो, कुछ ना समझ में आया तो लगा दो। देखो, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, अल्जीमर डिजीज, डिप्रेशन, विजुअल एंड न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन डेवलपमेंट, मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हेल्प कर रहा है, कंडीशन बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रीबायोटिक्स है ना, हार्ट फेलियर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजनरेशन है ना, जो बैकबोन में बीच में जो डिस्क होती है वो जब डिजनरेट करती घिस जाती है उसमें हेल्प करता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लोगों को कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है वहां पर काम करता है, मैटरनल डिप्रेशन, ठीक है, मीनोपॉज, नाइट स्वीट, मीनोपॉजल, जब मीनोपॉज हो जाता है तो रात में पसीना ज़्यादा आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, पीरियोडोंटल डिजीज, एपिलेप्सी, कितने करोगे तुम, डायबिटिक रेटिनोपैथी है ना, डायबिटिक जो आंखें खराब हो रही है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुअल के समय जो सिंड्रोम स्टार्ट हो जाते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब सारे याद नहीं करने हैं, तुम कहो सर क्या याद करें, कैंसर याद हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज याद हो जाएगा, डिप्रेशन याद हो जाएगा, अल्जीमर डिजीज बहुत पड़ा है, डायबिटीज याद हो जाएगा, जो जो सिंपल सिंपल है, अस्थमा याद हो जाएगा, जो जो सिंपल सिंपल है उनको तो याद करना है, मैं तो नहीं कर रहा, सब याद कर लो है ना। अब जैसे मान लो, सपोज तुमको लगता है
जैसे मान लो एक बड़ा सा आ गया, इनवर्टिब्रल डिस्क डीजनरेशन। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है इनवर्टिब्रल, ठीक है ना, डिस्क डिजनरेशन या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या है, जैसे तुमने पढ़ लिया कि डिस्क है ना, तो यहां पर सिंपल लिखो, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया बैकबोन डिस्क, तो वो लिख दो बैकबोन डिस्क का जो डिजनरेशन है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो एक सिंपल से शब्द ढूंढ लो, मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ, तो कुछ मत लिखो, ड्यूरिंग हेल्प इन प्रेगनेंसी, गुड हेल्थ ऑफ गुड हेल्थ फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ, मन से बना लो थोड़ा सा, जरूरी नहीं है बिल्कुल एकदम कोई शब्द हैवी हैवी है, अगर याद नहीं हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वही उठा के लिखो, कुछ थोड़ा मन से सिंपल बना लो। इट हेल्प्स मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिंपल हो गया, ठीक है। तो चीजों को लकीर या फकीर की तरह नहीं पढ़ना है कुछ चीजें। हाँ देखो, मेरे को तो लिखना पड़ेगा, देखो क्योंकि देखो मेरे पास हर टाइप का बच्चा है, तो लैंग्वेज अगर बहुत ज्यादा वैसी कर दूंगा तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज थोड़ी अलग सी भी रहती है, ठीक है। तो तुम लोग इसको थोड़ा सिंपल करके भी लिख सकते हो, मैंने जैसे बताया, और एग्जैक्ट मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। तुम लोग थोड़ा सा घुमा के लिख दोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर को समझ में आना चाहिए कि अच्छा हाँ तुमको पता है प्रेगनेंसी के समय बच्चे और उसके माँ के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है, काफी है। अब मैटरनल हेल्थ, मैटरनल मतलब माँ की हेल्थ, मैटरनल नहीं बर्ड समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।